बाय बाबू। मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जस्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग वॉक और यहाँ से भी जस्ट स्कूल निकला है। उसकी वैन आ गई पक्का 6 बजे, वो जा चुका है और मेरे हस्बैंड अभी फ्रेश हो रहे हैं और बस 10-15 मिनट मैं वॉक करूँगी, उसके बाद जाऊँगी सुबह की चाय बनाने के लिए। और यहाँ देखिए फुल साफ अभी है ही, मेरे है ही, मैंने नहीं तोड़ा पूजा के लिए। और चाची जी अभी नहीं आ रही कुछ दिन से क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो आती फूल वगैरह तोड़ लेती, मेरे लिए भी तोड़ कर रख देती। तो जा रही हूँ कुछ देर के बाद, फूल भी तोड़ के रखना है मुझे पूजा के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ सुबह की चाय बनाने के लिए और एक तब मैंने दूध बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। आज मैंने सुबह में दूध बॉईल नहीं किया था, बस रियांश को जितना पीना था ना उतना मैंने अलग सस्पेन में निकाल कर गर्म करके उसे दिया था। तो यहाँ पे मैं दूध बॉईल कर रही हूँ और गर्मी इतनी पड़ रही है ना गाइस कि क्या ही बताओ, दूध फटने का इतना ज़्यादा डर रहता है। एक दिन तो मैं दूध फट गया, उस दिन से इतना ज़्यादा डर रहता है कि 2 से 3 बार मैं दिन भर में बॉईल कर देती हूँ और फ्रिज में मैं दूध नहीं रखती हूँ, जो रियल बात है। तो यहाँ पे देखिए चाय बन रही है और अपने लिए बना रही हूँ, अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और हेल्पर भी है तो उसको भी मैं दूंगी। और इधर कुछ दिनों से ना मुझे बिल्कुल भी चाय पीने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को कंपनी चाहिए और उनके लिए मुझे हाफ कप लेना पड़ता है। अब तो हाफ से भी मैंने हाफ कर दिया, मतलब आप समझिए कि सिर्फ 2 स्पून बस उतना ही, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। और शाम में तो बिल्कुल भी पीने का मन नहीं करता, कभी कभार मैं पीती हूँ नहीं तो स्किप ही हो चुका है। यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है, सो मॉर्निंग टी, चीयर्स गाइस आपको। और जैसे मैं टी लेकर गई ना वैसे देखिए कि चाची जी आई हुई है फूल तोड़ रही है, तो फिर मैं उनके लिए भी चाय बनाई और फिर उनको भी दी। कुछ देर बैठी चाची और उनकी तबीयत पहले से ठीक है, मुझे नहीं पता था कि चाची आएगी नहीं तो मैं उनका भी साथ ही साथ चाय बनाती। और उसके बाद चाय पीने के बाद यहाँ मैं कर रही हूँ अपने हस्बैंड का शर्ट आयरन। और उनके स्कूल में मतलब हर जो मतलब सब सरकारी स्कूल में ना अब रूल हो गया है कि शर्ट पहन के जाना है, टी शर्ट पहन के नहीं जाना है, तो वो कुछ दिन से शर्ट ही पहन के जा रहे हैं। और उनका शर्ट ना मतलब 1 से 2 दिन नहीं चलता है, हर दूसरे दिन ना वो शर्ट चेंज करते हैं और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तो यहाँ पे ये शर्ट वॉश किया हुआ था तो मैं यहाँ पे आयरन कर रही, वो बोले मतलब जब तक वो शावर ले रहे हैं वो बोले क्या कि तब तक शर्ट आयरन करके रखो, तो वही मैं शर्ट यहाँ पे आयरन कर रही हूँ। और रियल बताओ ना, जब भी मैं शर्ट कोई भी कपड़ा उनका आयरन करती हूँ तो पर कपड़ा मैं 10-20 रुपया जरूर लेती हूँ, क्योंकि धोबी वाला भी लेता है आयरन करने, तो मैं भी बोल फोकट में तो मैं नहीं करने वाली हूँ ये एक्स्ट्रा काम, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आयरन करने में, उसके लिए तो पैसा लगेगा। तो आज तो भैया मेरा आमदनी हो गया सुबह का। एंड हेयर गाइस देखिए मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। और सो गाइस अभी जस्ट मैंने पूजा किया है और देखिए मैं टीका लगाई थी लेकिन सिंदूर लगाई थी लेकिन वो टेढ़ा हो गया। और बस बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, आप यहाँ से धूप देख सकते हैं कितनी कड़ी धूप है, पूरा आंगन में मतलब धूप है। और बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करूँगी, तो चलिए उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद मैंने कुछ देर टीवी देखा और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे लंच बनाने के लिए। और टीवी देखते देखते ही मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया था, तो यहाँ कुकर में ही मैं दाल और चावल पैक करके रख रही हूँ, इसे जल्दी बन भी जाती है, उस समय बहुत बचता है। कभी कभी मैं दूसरे बर्तन में चावल बनाती हूँ लेकिन इधर 2-3 दिन से ना मैं कुकर में ही चावल बना रही हूँ। और यहाँ पर देखिए दाल वॉश करके मैं पैक कर रही हूँ और साथ में मैं चावल भी वॉश करके पैक करूँगी। यहाँ पर गाइस इस कुकर में मैंने चावल पैक किया है और इसमें है दाल और यहाँ पे मैं सब्जी कट करके वॉश करके रखी हुई हूँ, ये प्याज ये लहसुन अदरक का पेस्ट। तो चावल दाल बनेगी, चावल तो 2 विशल में हो जाएगी। एंड देखिए कुकर का क्या हाल है, पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो 2 विशल में तो चावल हो जाएगी, इसके बाद मैं फिर सब्जी बनाऊँगी। ओके तो आज का लंच है चावल दाल और परवल आलू की सब्जी। लंच बन रही है और 1 विशल हो चुका है कुकर का, एक भी चावल मारे के बस चावल हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये चावल हो चुकी है तो इसको यहाँ मैं साइड करके रख देती हूँ और इसमें दूध, रात में भैया दूध आते हैं दूध लेकर, तो बस यहाँ पे चावल है और दाल हो रही है और अब मैं सब्जी बनाऊंगी। यहाँ पे गाइस देखिए रियांश का पूरा बुक कॉपी वगैरह है, ये तीनों रैक मैंने क्लीन किया है और ये जब अच्छे सूख जाएगा
तो उसके बाद फिर मैं पेपर बिछाऊंगी और रात का सारा बुक कॉपी वगैरह अरेंज करूंगी। और यह पिलो वगैरह जो मैंने धूप में दिया था अब ले आई हूँ। और यहाँ पे देखिए रियांश स्कूल से आ चुका है, शावर दे दिया मैंने और रेडी वगैरह हो चुका है, ये मैंने अच्छे से प्रॉपर रेडी कर दिया और पाउडर लगा मिला है। एंड गाइस आज तो रियांश जो है गेट के अंदर घुसा स्कूल से जब वो आया, और गेट के अंदर घुसते ही आइसक्रीम के लिए जो इतना ज़्यादा वो जिद किया कि क्या ही बताऊँ, और रियल बताओ तो पक्का एक महीने के बाद वो ना आइसक्रीम खा रहा है। तो मैंने बोला चलो इतना दिन के बाद बोला है मैं दिलवा देती हूँ, तो फिर मैंने आइसक्रीम मंगाया। और क्या यहाँ पे माँ बेटा का हो रहा है आइसक्रीम पार्टी, और मैंने भी बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मैं भी बहुत एक डेढ़ महीना के बाद रियल खा रही हूँ आइसक्रीम। और यहाँ पे देखिए कैसे मुँह बना बना कर खा रहा है ना, रियल में छोटे छोटे बच्चे का फेस ना खाते हुए कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, मैं तो देखती ही रह जाती हूँ। इसलिए कोई कोई मोमेंट कैप्चर करके रख लेती हूँ कि ये बड़ा होगा ना जब जब ये 25-30 साल का हो जाएगा तब मैं इसे दिखाऊँ। देखो जब तुम छोटे थे ना तो कैसे कैसे मुँह बनाकर खाते थे। और यहाँ पर देखिए रियांश का सारा टॉय और बुक्स कॉपी वगैरह मैंने कितना अच्छा से ऑर्गेनाइज कर दिया है, बहुत दिन के बाद मैंने ये रैक क्लीन किया है, अच्छे से वाइप किया, ये क्या बोलते हैं डिटॉल से इसको वाइप किया, उसका फिर मैंने सूखने दिया, फिर पेपर साफ बिछा कर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया और अब लग रहा है क्लीन। ये इतना ज़्यादा गैदरिंग करके रखा था ना, मतलब एक्स्ट्रा मीठी का जो है वो कॉपी डायरी वगैरह सारा भर के रख दिया था। अच्छा तो यहाँ मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट अब शाम के टाइम में, और यहाँ पर टेबल पर मैं पानी रख रही हूँ क्योंकि अभी इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि एक दो घंटे के बाद ना बोतल जग वगैरह सब खाली हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ शाम की चाय। सो गाइस यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और यहाँ पर मैंने फ्रेश वगैरह कर दिया है, तो बस चाय वगैरह पीऊँगी उसके बाद रात का डिनर का तैयारी करूँगी। और अभी रियांश जो है ना होमवर्क बना रहा है घर वाले सर का, उसके मतलब मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, वो मुझे मिला ऑर्डर चाय बनाने का तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड बैठे हुए उसके पास उसे होमवर्क करवा रहे हैं। बहुत दिन के बाद आज मेरे हस्बैंड जो है मैंने बोला कि मैं चाय बनाती हूँ तब तक उसे वो होमवर्क करवाइए आप, नहीं तो मैं बैठ जाती हूँ आप चाय बनाइए, तो वो बोले ठीक है। तो बस चलिए चाय वगैरह बनाती हूँ पी लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ। बन चुकी है ये मेरा और ये मेरे हस्बैंड का कप। और यहाँ पे देखिए कपड़े सब धूप में सूख चुके हैं तो इसे भी मुझे लाना है, पहले मैं चाय पी लेती हूँ उसके बाद लाऊंगी कपड़े वगैरह। और यहाँ पर ये चाय बिस्किट ले रहे हैं और मैं सिर्फ चाय पी रही हूँ। और यहाँ पर देखिए रियांश का कॉपी होमवर्क बिल्कुल भी लगता है टच भी नहीं किया है पेंसिल। मेरे हस्बैंड तो बैठे मुझे भेज दिए चाय बनाने के लिए, मैं सोची थी कि होमवर्क करवा रहे हैं लेकिन देखिए पूरा खा लिए, एक भी लाइन वो लिखा नहीं, और मेरे हस्बैंड कॉल पर बिजी थे। तो ये रहा चाय। एंड जैसा कि सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है तो सब हरे हरे मतलब कलर का सब चीज़ पहन रहे हैं, जैसे साड़ी हुआ, सूट हुआ, नेल पॉलिश हुआ, चूड़ी हुआ, सारा चीज़। तो मैंने अभी सिर्फ हरे रंग का नेल पॉलिश लगाया है, मैं सोची थी कि अब चूड़ी पहनूंगी अब चूड़ी पहनूंगी, ऐसे करते करते ना मेरा जो है 4-5 दिन ऐसे ही बीत गया। तो मैं सोची थी अब चलो कल जो है पूजा पाठ करने के बाद न्यू चूड़ी पहनूंगी। तो यहाँ पे चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं और यहाँ शाम के टाइम में सब जगह मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, और इसके बाद कुछ देर के बाद मैं जाऊँगी शाम बाती देने के लिए, अभी शाम बाती देने का टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सारे जगह का मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, और यहाँ तुलसी चबूतरे के पास जो लाइट है शाम के टाइम में ना यहाँ मैं कुछ देर के लिए लाइट ऑन कर देती हूँ, अच्छा लगता है। और जब यहाँ देर रात तक खेलता है कभी कभी तो मैं सारा लाइट ऑन कर देती हूँ। तो यहाँ पर सारे जगह का मतलब रूम्स का, आंगन का, बाहर का, बरांडा का, यहाँ द्वार पर का, सारे जगह का मैं लाइट्स ऑन कर चुकी हूँ। मौसम ठीक ठाक है गाइस, हल्की हल्की हवा चल रही है, उतनी ज़्यादा तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि क्या ही बताऊँ, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत कड़ी थी। और वहाँ सामने काम चल रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है वहाँ से, खटखट खटखट खटखट, देख कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे रियांश कर रहा है होमवर्क, मैं मम्मा बैठती हूँ। ओके रिया अब बताओ बताओ बताओ।
अभी मैं रियान को करवा रही हूँ होमवर्क और उसके बाद रियान खेलू खेलू करने जाएगा। अगर सर आएगा तो फिर ट्यूशन पढ़ेगा रियान और मम्मा जाएगी, मैं जाऊँगी शाम मैं जाऊँगी शाम बाती देने के लिए और उसके बाद फिर डिनर बनाऊँगी। जब तक रियान ट्यूशन लेता है अपना तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए रियांस खेले और ये दोनों जो है ना मेरी हेल्पर की पोती है, तो शाम के टाइम में वो आ जाती है रियांस के साथ कुछ देर खेलने के लिए। सो शाम बाती मैंने दे दिया और यहाँ मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, तो यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ ढेर सारा आइस देकर। और रियांस अभी खेल रहा है, उसको मैंने होमवर्क वगैरह करवा दिया है स्कूल का घर का सारा, तो वो निश्चिंत होकर भी खेल रहा है और मैं भी निश्चिंत हूँ। चलो होमवर्क वगैरह तो वो कंप्लीट कर लिया और यहाँ देखिए मैंने ढेर सारा आइस डाला है एंड ये कोल्ड कॉफ़ी मेरा रेडी। तो कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद यहाँ मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए और मेरे हस्बैंड अचानक से बोलते हैं कि उनको इनवाइट है, तो वो मैंने बोला कि आप पहले बोलते, मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया था, सब्ज़ी वगैरह भी प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड चले गए फिर भी जहाँ पे उनको इनवाइट था डिनर करने के लिए। तो आज तो मेरे हस्बैंड के लिए डिनर बनाना हो गया था कैंसिल और आटा मैंने किया कि अपनी हेल्पर को दे दिया कि ले जाओ घर पर वहीं पर अपना रोटी बना लेना, और मुझे जितना रोटी बनाना था अपने लिए और रैंस के लिए उतना मैंने रोटी बना ली। और सब्ज़ी मैंने काट के रखी थी झींगा की नेनुआ की, तो रियांस बोला कि मुझे नहीं खाना है, मुझे पनीर की सब्जी खाना है, तो मैंने क्विक पनीर घर में मतलब बनाया, दूध को मतलब विनेगर देके जल्दी से फाड़ा, लेमन था नहीं मेरे पास तो विनेगर से ही मैंने दूध को फाड़ा और छेना रेडी किया। और यहाँ पे सिर्फ मैं रियांस के लिए और अपने लिए यहाँ पनीर की सब्जी बना रही हूँ। मेरे दोनों बच्चों को पनीर की सब्जी इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या ही बताऊं। सावन के महीने में हम लोग नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, मैं शादी से पहले से नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरे घर में मम्मी आंटी वगैरह नहीं बनाती थी, तो यहाँ पर भी हम लोग सावन में नहीं खाते हैं। पहले मेरे ससुराल में खाया जाता था लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से सावन के महीने में नॉनवेज आना बंद हो गया। तो यहाँ पर देखिए सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है, तो ये हम लोग का आज का डिनर रोटी और पनीर की सब्जी। सो गाइस ये था आज का वीडियो, ये वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो प्लीज़ इतना लाइक करना, साथ में कॉमेंट करना नहीं भूलेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।